बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदोस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। दोस्तों आज मैं बकरियां लेने के लिए जा रहा हूँ, मतलब ईद कुर्बानी नजदीक आ चुकी है और बकरे लेने जरूरी हैं और मैंने कहा बकरे लेते हैं। तो मैं अपने शहर डेरा गाजी खान से कुछ 5 मिनट की ड्राइव के बाद एक छोटा सा विलेज है उसके अंदर जाने वाला हूँ। तो उस विलेज के अंदर पूरे पाकिस्तान से व्यापारी आते हैं बकरियां लेने के लिए, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे, बकरियां लेते हैं, बकरे लेते हैं। तो वो बहुत बड़ा मरकज है और बहुत ही सस्ते चीजें मिलती है वहाँ पर, तो मैं वो चल के दिखाता हूँ, रेट दिखाता हूँ आपको, आप देख के हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि यार हमें भी जाना चाहिए। तो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। पहुंच चुके हैं हम उस विलेज के अंदर जहां पर गोट फार्म है और बकरियां ही बकरियां देखने को मिलती हैं, हर तरफ बकरियां, कभी कोई बकरियां लेके जा रहा है, कभी कोई बकरियां लेके जा रहा है, पीछे भी मेरी बहुत सी खूबसूरत बकरियां खड़ी हैं, मैं आगे चल के आपको सारी दिखाता हूं। ये हम उस विलेज का राउंड लगा रहे हैं जिसके अंदर बहुत से ये पीछे देखे बकरियां, ये पूरा का पूरा गांव के अंदर बकरियां ही बकरियां आपको देखने को मिलती हैं। मजे की बात ये है कि ये देखें, ये बकरे कितने प्यारे, अब मेरी कद के बराबर बकरा आ रहा है, ठीक है ना, तो इतने प्यारे प्यारे बकरे हैं माशाल्लाह, ये देखें, ओए हो बड़े खूबसूरत बकरे हैं। और ये यकीन जाने बकरे को ऐसे करके पकड़ लेते थे, ये तो हम उठा भी नहीं सकते, मतलब इतने बड़े। और ये काला बकरा देखे माशाल्लाह, ये देखे ये किस तरह प्यारे प्यारे बकरे हैं, ठीक है ना। तो अभी भाई के साथ बात करते हैं, ये अब इनका रेट भी पूछते हैं कि महंगे तो नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने सुना है कि इस बस्ती के अंदर पूरे पाकिस्तान के जितने भी व्यापारी होते हैं ना, वो इसी बस्ती के अंदर आते हैं, आकर बकरियां शकरियां खरीदते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करते हैं। और मजे की बात ये तो ईद के अंदर बकरों का मतलब इन्होंने सीजन बनाया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना छोटी छोटी बकरियां भी देखने को मिलती हैं जिससे आप अपना फार्म लगा सकते हैं, और वो छोटी बकरियां आप यहां से ले जा सकते हैं बआसानी बा सस्ते पैसों से। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो यहां पे आना चाहते हैं, मेरा नीचे नंबर आ रहा होगा, फोन नंबर आप रابطہ कर लीजिएगा मुझसे और आ जाइएगा यहां पे, फिर मैं आपको दिखाता हूं। वैसे ये बताओ भाई, ये कितने का बकरा है, ये वाला ब्लैक वाला? ये 60-60 हजार के। 60-60 हजार के हैं दोनों? अच्छा, इनका वजन कितना होगा? 100 kg 80 kg। 100 kg का बकरा होगा तकरीबन, माशाल्लाह 100 kg का बकरा 60 हजार रुपए का, यार बड़ी कमाल की बात है। इतने में तो मतलब बंदे को गोश्त नहीं मिलता अगर कसाई के पास भी लेने जाए, और यहाँ पर आपको बकरा मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। ये इस तरह के बकरे यहाँ पे मिलते हैं आपको 60 हजार रुपए का, मिसाल के तौर पे आप ले लें और उसके बाद आगे जाके आप जितने का बेचें।
वैसे ये तो वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ रियायत करेंगे मेरे साथ? हाँ करेंगे यार। हाँ रियायत करनी है, ये ना हो कि आप जो है ना इसको बहुत हाई लेवल पे ले जाए और पैसे ज्यादा मांगे, ठीक है जी? नहीं नहीं। हाँ तो बहरहाल इस बस्ती के अंदर आप आए विजिट करें शेरा गाजी खान के साथ। ये बस्ती जो है वो मुनफरिद बस्ती है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी मिलेंगे आपको, बड़े भी मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। ये पीछे देखें भरा खड़ा है पूरा, ये जरा कैमरा मैन को कहूंगा यहाँ से आए, जरा आगे आ जाए, थोड़ा सा दिखा दे, ये पीछे भरा खड़ा है पूरा का पूरा। ये देखें जी, ये सारे लालपुरी बकरे हैं। इसके अलावा टेडी बकरियां भी यहाँ पे होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ होता है जो आप लेना चाहें आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपको आप आएंगे, बेशक आप 200 बकरा भी लेना चाहें या 200 बकरियां भी लेना चाहें छोटी वाली, वो भी आपको मिल जाएंगी। और आप इस बस्ती के अंदर आए, मेरा नंबर आ रहा है, आप रब्ता कर लीजिएगा और यहाँ पे विजिट करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ये देखें बकरा जी, ये बिल्कुल हाइट के बराबर, ये देखें बकरा हाइट के बराबर, माशाल्लाह बड़े प्यारे बकरे हैं जी। इनसे लेते हैं बकरा और फिर आपको दिखाते हैं कितने का लेते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पर बकरियाँ बहुत सारी हैं और जो है ना बहुत से मेहमान भी आते हैं दूर दूर से, और ये भाई भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भाई जान आप? मुल्तान से। मुल्तान से आए हुए हैं, और कितने जानवर हैं इस बस्ती के अंदर? बहुत जानवर हैं यार, जानवर तो कम नहीं। बहुत ज्यादा हैं? काफी ज्यादा है। अच्छा, मुल्तान कौन सी जगह से आए हैं? वाबडा टाउन से। तो अभी आप बकरे लेने के लिए आए हैं? बकरे भी और बड़े जानवर। अच्छा, बड़े जानवर भी लेने। तो अभी फिलहाल ईद का सीजन चल रहा है तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे बकरे आपको देखने को मिलते हैं, वरना आम रूटीन पे यहाँ पे बकरियां भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं और बहुत कुछ होता है। आप जब भी चक्कर लगाएंगे तो आपको आपकी मर्जी की चीजें मिल जाएंगी। जी दोस्तों, आखिरकार हम फाइनल बकरे ले आए हैं और बकरा ईद के लिए दो बकरे लाया हूं मैं, जो माशाल्लाह बहुत वजनदार बकरे हैं। लेकिन जो है ना, ये शायद वीडियो के अंदर आपको नजर ना रहे हो, ठीक है ना, लेकिन वैसे बहुत मतलब इनकी सेहत बहुत अच्छी है। ये तकरीबन 45 केजी इसका वजन होगा और मैं 30 के करीब लाया हूं, 30,000 का मुझे मिला है। और ये 60 किलो का जिंदा है और ये मैं लाया हूं तकरीबन 34,000 रुपए के करीब। दोस्तों ये बहुत ही प्यारे बकरे हैं, इस तरह के बहुत से बकरे बकरियां छोटे बच्चे आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। और ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, आप जब भी आएंगे तो आपकी बहुत खिदमत भी करेंगे, उसके बाद आपको बकरे भी बकरियां भी, अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तब भी आपको यहां पर मिल सकती हैं। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कोई नई वीडियो के अंदर, जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ईद की ढेरों खुशियाँ एडवांस में मुबारक हो आपको।